अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क में जब मजहबी तशद्दुद का माहौल बना हुआ है, रोजाना कुछ न कुछ खबरें सुनने देखने को मिलती है। रियासत कर्नाटक और खासकर बेलगाम शहर में भी इस तरह की वारदातें अक्सर होती रहती है, लेकिन बेलगाम शहर एक सरहदी इलाका होने की वजह से कर्नाटक महाराष्ट्र का तनाजा भी काफी पुराना है। राष्ट्रपुरुषों के मुजस्समों को लेकर अक्सर तनाजा बेलगाम शहर और त्राप में देखा जाता है। लिहाजा एक बार फिर बेलगाम शहर के करीब धामने गांव में कन्नड़ मराठी तनाजा पेश आया हुआ है। कन्नड़ बोलने वाले घर में शादी थी और शादी के बाद जुलूस भी निकाला गया, जिसमें कन्नड़ परचम के साथ नाच गाना भी हो रहा था। जब मराठी मोहल्ले से जुलूस गुजर रहा था तो अचानक एमईएस के 20 अफरादों ने शादी के जुलूस पर हमला करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 6 अफराद शदीद जख्मी होने की बात भी कही जा रही है, जिन्हें बाद में जिला अस्पताल में जेर इलाज रखा गया। महज कन्नड़ होने की बुनियाद पर और कन्नड़ परचम लहराने को लेकर हमला करने वालों की गिरफ्तारी अमल में आई है। दूसरी तरफ कुर्बुर गली के चौक में रानी चन्नम्मा चौक और संभाजी चौक इस तरह कन्नड़ मराठी बोर्ड लगाने को लेकर भी कुछ दिनों से तनाजा होने की बात कही जा रही है। लिहाजा कन्नड़ अपराधों पर हमले को लेकर 9 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। आज इस हमले की मजम्मत करते हुए चन्नम्मा सर्कल में एहतजाज किया गया और पुलिस कमिश्नर को मुतालबा भी पेश किया गया। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। धामने में हुए शादी के जुलूस पर हमलों को लेकर आज कन्नड़ तंजीमों के साथ शादी घर वालों ने भी एहतजाज किया। कन्नड़ लोगों का कहना है कि पहले से ही छिप कर बैठे मराठी लोगों ने अचानक हमला किया और पहले से ही वो तैयार थे, ऐसा इल्जाम भी लगाया गया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर बोरलिंगिया ने शरपसंद नासिर पर कार्रवाई करते हुए इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसा कहा। बेलगाम शहर में आए दिन इस तरह की वारदातों से बारहा शहर का माहौल में तनाव रहता है। इससे पहले भी यमकनवाड़ी मुत्यानट्टी पिरनवाड़ी में कभी संगोली रायन्ना के मुजस्समे को लेकर या फिर कभी शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर तनाजा होता रहा। बेंगलोर में हुए शिवाजी महाराज की मूर्ति को कालीख पोतने की वारदात के बाद इसका असर बेलगाम शहर में भी देखा गया था। अनगोल में संगोली रायना की मूर्ति की तोहिन की, लिहाजा बार बार एक के बाद दिगर मामलात के पीछे क्या कहीं सियासत तो नहीं, ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से किया जा रहा है। कभी हिंदू मराठी, कभी कन्नड़ मराठी तनाजा शहर के अमन को नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन गरीब मजदूर की रोजी रोटी भी इससे मुतासर होती है। शहर में अमन को बरकरार रखने की कोशिश बेलगाम के हर शहरी को करनी चाहिए और धर्म, भाषा, रंग, नस्ल के तफरके को पसे पुष्ट डालकर इंसानियत के पैगाम को आम करना चाहिए। मुल्क, रियासत और शहर में बढ़ते तशद्दुद की वारदातें ना सिर्फ किसी शहर बल्कि मुल्क रियासत की तरक्की में भी रुकावट हो सकती है। मुल्क शहर अमन के माहौल में ही तरक्की कर सकता है, इतना जरूर है। ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ದಾಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮದುವೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕಿಡಿಗಡಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗ ಆದಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು 9 ಜನವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಏನಾದರೂ ಹಳೆ ಘಟನೆಗಳು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓವರಾಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ, ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿ ಏನೇನು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. रहमान फाउंडेशन की जानिब से खून के अतिया का प्रोग्राम रखा गया। ब्लड डोनेशन कैंप रहमान फाउंडेशन की जानिब से 12 इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अतिया खून का ही अतिया होता है। खून की एक बूंद कई जिंदगियों को बचा सकती है। लिहाजा हादसात हो या फिर इमरजेंसी मरीजों को कभी कभी खून की जरूरत होती है, लेकिन वक्त पर खून हासिल नहीं होता। इसी के मद्देनजर रहमान फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप या फिर ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम बारहा किया जाता है। बरोज इतवार 29 मई को मकतबे नुमानिया में ब्लड डोनेशन कैंप में शरीक होने का ऐलान रहमान फाउंडेशन की जानिब से किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।